पत्थर ढोने चले जाते हैं गुंडे चंडीगढ़, चंडीगढ़ चले जाते हैं पत्थर ढोने, बहन जी की सरकार आते हैं ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ जब पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं बारिश। बारिश जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बहन जी मायावती की। तो अखिलेश से भी कोई नुकसान नहीं है ना, उसमें जो है ज्यादा अत्याचार होता है। अच्छा, अखिलेश में भी सुबह का नाश्ता भी नहीं होता उसमें सब्सिडी में, समझ गए ना। 88 रुपये तेल था सरसों का, आज की डेट में 190 रुपये लीटर प्रति लीटर बिक रहा। तो इसमें बेरोजगारी बढ़ने क्या होगा अब, या पतीली को देखें या डिब्बे को देखें, इसमें बिल्कुल ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो तो कह रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार आदाब, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, और संभल के अलग अलग गाँव में जाकर हम जान रहे हैं कि आगामी 2022 में गांव के लोगों की क्या रुझान बन रहा है, वो किसे चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। सर क्या नाम है आपका? मिस्टर राजेश कुमार राज। राजेश कुमार राज, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई या चरम सीमा पर है? 90% बढ़ती जा रही है। जैसे कि मायावती के राज में 365 रुपये का सिलेंडर था और सब्सिडी आती थी 193 रुपये की, अब 855 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 24 रुपये की सब्सिडी आ रही है, सुबह का नाश्ता भी नहीं होता उसमें सब्सिडी में, समझ गए ना। 88 रुपये तेल था सरसों का, आज की डेट में 190 रुपये के लीटर प्रति लीटर बिक रहा। तो इसमें बेरोजगारी बढ़ने क्या होगा अब, या पतीली को देखें या डिब्बे को देखें, इसमें बिल्कुल ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो तो कह रहे हैं अगर राष्ट्रहित में थोड़ी महंगाई होती है तो बर्दाश्त करिए। राष्ट्रहित में क्या महंगाई का रोक कोई सकता? अब मैं समझ ले पेट्रोल 57-58 रुपये लीटर बिकता था, आज की डेट में 91 पॉइंट कुछ बिक रहा। तो इससे क्या आदमी या टंकी को देखा या गाड़ी को देखा, मिस्त्री की कमी बताते हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, देखे तो पेट्रोल पंप पर रेट हाई फाई हो रहे हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं चोरी करते हैं, तेल डालते समय पंप लगाया और तेल बिल्कुल ऐसे, मतलब 50 का तेल लगाए तो 20 का तेल आ रहा है। तो देश हित में थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें। हाँ जी, किसकी सरकार? 2022 में बहन जी की। बहन जी क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बहन जी की सरकार बनेगी। क्यों, वजह क्या है इसकी? वजह बेरोजगारी है, आदमी परेशान है, नौकरियां छूट गई, लोगों की कंपनियां बंद हो गई तमाम दुनिया की, सब घर पड़े हुए हैं, और क्या यही है बेरोजगारी है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इस वजह से बहन जी की सरकार। हाँ, डीजल है पेट्रोल है, बताओ कहाँ से मराएगा किसान? कमाई 2 रुपये की नहीं है, किसान कहाँ से लाएगा पैसे? किसान तो बर्बाद ही है। 1100 रुपये को सम्मान के तहत दे तो रहे, 2000 रुपये कहाँ दे रहे हैं? सब किसानों को मिल रहा है। अरे कहीं ना मिल रहा किसानों को, आधो को किन्हें 10 को दे दे, 100 को ना दे, सब ऐसी झूठे वादे कर रहे हैं, किसे मिल रहा पैसा? किसी को ना मिल रहा। अच्छा, तो किसान का क्या रुख है? है किसान का क्या रुख है? वो किसान तो परेशान ही है, किसान क्या परेशान ही है, किसान तो किसान पे क्या रखा, कुछ भी ना, महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसे किस तरीके से? अब तो बहन जी सरकार बनाएंगे किसान भी, बहन जी की सरकार बनाएंगे किसान जी, जितने किसान है परेशान है किसान भी। 1100 रुपये को धक्का देकर धान खरीदा है, 2000 लागत आ रही है, बीघा में 3000 आ रही है, 1000 को धान बेचा क्या फायदा, बर्बादी के अलावा ये तो देश को खा गए बेच के। क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण कुमार नाम है। प्रवीण कुमार जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में BSP की सरकार आएगी, बहन जी के नेतृत्व में। अच्छा, योगी सरकार से कितना खुश है? इस सरकार ने किस तरीके के काम किया? सरकार में बेरोजगारी है एक तो सबसे ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, और झूठे वादे हैं सरकार के। तो क्या मुद्दे होंगे आपके BSP सरकार में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के? मुख्यमंत्री बनने के बाद में रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और पढ़ाई अच्छी होएगी, व्यवस्था अच्छी होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मायावती ने यूनिवर्सिटियाँ खोली और कैंपस इंस्टीट्यूट खोले लड़कियों के लिए, और कॉलेज स्पेशल खोले। इलेक्शन के अभी 6 से 7 महीने का वक्त है, सारी पार्टियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार के खिलाफ, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, महंगाई को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर हो, मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। नहीं, मायावती अब आएंगी। हाँ, अब मायावती का घूमने का 24 तारीख से ग्राउंड लेवल पर मायावती घूमेंगी हम। अच्छा, सर क्या लगता है आपका क्या नाम है? बंटी सागर। क्या लगता है 2022 में बदलाव देख रही है यूपी की जनता या दोबारा से? बदलाव आएगा, बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी की सरकार जी, तो ऐसा क्या काम करवाएंगी बहन जी आकर, लगता है विकास होगा? किन मुद्दों पर वोट दिया जी? जब बहन जी की सरकार थी तो 50 रुपये के फार्म से लगते थे गरीब बच्चे, आज लगा लो 500 रुपये की फीस कटती है, तो वो गरीब 500 रुपये कहाँ से लाएगा, उसमें भी फार्म डाल देते हैं फिर रद्द कर देते हैं। बहुत बेरोजगारी है, इस सरकार से कोई फायदा नहीं है, गरीब जनता तो ज़्यादा ही पिछड़ी। अब देखो गेहूँ का आटा 25-24 रुपये किलो बिका, ये महामारी में ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत ज़्यादा महामारी। योगी सरकार के इन 4 से 4.5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास हुआ है? विकास ही कहाँ हुआ,
तीन साल तो लॉकडाउन लगा रखा, दो साल से पिछले साल लॉकडाउन निकल गया, ये लॉकडाउन में हो गया, विकास हुआ ही कहाँ। क्या नाम है आपका? मैं सिबारिस। वारिस जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बहन जी मायावती की। सरकार से खुश नहीं है? नहीं। क्यों? सब परेशान है, कोई बच्चे कोई पढ़ रहा है स्कूल में कोई? योगी सरकार तो कह रही, बोले जितना गुंडा राज था अखिलेश यादव की सरकार में था, हमने सारा गुंडा राज खत्म कर दिया। कोई गुंडा राज नहीं करा है, सब हो रहा काम। सर क्या कहना चाहते हैं, गुंडा राज खत्म हुआ यूपी में? नहीं, गुंडा राज तो और ज्यादा चल रहा था। और ज्यादा और क्या, बलात्कार हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। बिलासपुर के चुनाव में और लेडीजों की साड़ियां खींचे जा रही है, उन्हें वोट नहीं डाले जा रहे, तो ये गुंडा राज ही चल रहा है। तो कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडा राज हमने जो था उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। उन्होंने कहाँ करा बताओ, साड़ी खींच रही है पुलिस प्रशासन के सामने, साड़ियाँ खींच रही है, तो कहाँ गुंडा राज नहीं, गुंडा राज चल रहा है इनकी सरकार में। तो बहन जी की सरकार आ जाएगी तो गुंडा राज खत्म? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पत्थर ढोने चले जाते हैं गुंडे चंडीगढ़, चंडीगढ़ चले जाते हैं पत्थर ढोने, बहन जी की सरकार आते ही। कहते हैं बहन जी की जब सरकार आ जाती है तो हाथी बनवाती है, मूर्तियाँ बनवाती है। हाथी कहाँ से बनवाए, उसमें टिकट लगता है। आज की तारीख में आप जाओगे वहाँ घूमने, टिकट लगता है वहाँ, वो भी कौन जाए, वो तो गवर्नमेंट के खाते में, उनसे को थोड़ी है, उन्होंने तो खाली नाम के लिए बनवा लिया, बोले हाँ बहन जी ने बनवाया था ये, खाली नाम के लिए बनवाया उन्होंने, उसे फ़ायदा थोड़ी मिल रहा उससे। उसमें वल्लभ भाई सरदार कितनी ऊँची पर वो बनाई है, वहाँ पर कोई जाता वो कहाँ पर बनी हुई, नदी में बनी हुई है, किसी दिन पानी का बहाव आ जाए तो बह भी सकती है। अब देख लो वहाँ, नखलऊ देख लो और वहाँ देख लो जाकर। अच्छा, जो मैनिफेस्टो में मुद्दे दिए गए थे, चाहे वो राम मंदिर के हो, चाहे वो धारा 370 के हो, सब पूरे तो करती आ रही है बीजेपी सरकार, तो किन मुद्दों पर आपने जीते की लेने का अधिकार है उनका, और कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो वोट का राजनीति है और कुछ नहीं है। तो आप जो मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था वो काम कर तो रही है, तो इसी के बल पे जीतेगी भी? बेईमानी से भी जीत सकती है। किस चीज़ से बेईमानी? EVM से, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ जब पता चलेगा। आने वाले सरकार, योगी सरकार जो आई थी, उसने जैसे सरकार आई उसने बेरोजगारी के खिलाफ बोला था कि बेरोजगार हर साल हम रोजगार देंगे लड़कों के लिए 2018 से। मेरा भी पेंडिंग में है, मैं PSC का अभ्यर्थी हूँ, मेरा ही पेंडिंग में, 2.5 साल मुझे हो गए पेपर दे हुए, अभी तक तो कोई प्रक्रिया ना हुई, घर में डिप्रेशन में जी रहे हैं पूरी तरह। ये सरकार पूरी तरह नाकारा, कोई कामयाब नहीं है इनका, सब झूठे वादे हैं पूरी तरह। सरकार तो किसी की भी बन जाओ, और सरकार तो सभी ही सबके लिए प्रॉपर्टी करती है, मगर परेशानी पड़ती है, कोई किसी की हल ना करता। फिर आपका कहने का मतलब है सरकार कोई सी भी हो जनता परेशानी रहती है? जनता परेशानी रहती है, बहन जी की सरकार ही वो भी सही ही, तो उसमें जो मतलब हमारी जो मतलब जाति ही उससे मोमडन लोग जो काफ़ी डरे करे है, ऐसी बात नहीं है, जब तो झंडा खड़ा हो गया जाटवा का, मगर साहब मट्टी कटी तो आवाज के कटी है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा टीटू सागर नाम है। टीटू सागर, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार लग रही है? हमें क्या लगता है, ये तो जाने में ही है सरकार। सरकार जाने में ही है? हाँ। क्यों, इस सरकार ने काम नहीं करा है? नहीं करा, बेरोजगारी बहुत हो गई। हाँ, रोजगारों के रोजगार छीन रहे, नौकरी नहीं मिली पढ़े लिखों को, युवा बेरोजगार हो गए अधिकतर। हाँ बात ये है, तो इसकी सरकार नहीं आएगी। तो युवा क्या चाहता है, किसकी सरकार आ सकती है? अब देखो वो किसकी आ, वो तो युवा के हाथ में ही है, मतलब सभी के हाथ में है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? हम तो बहन जी की बन सोच रहे हैं, बहन जी की आ जाए सरकार। बहन जी की? हाँ। तो आपको लगता है बहन जी की सरकार आएगी तो विकास होगा? बिल्कुल होगा, विकास भी होएगा और गुंडा राज भी खत्म होगा। क्या मुद्दे हैं आपके विकास? विकास के तो बढ़िया मुद्दे हैं, सबका विकास कार्य अच्छा होता है उनकी सरकार में। आप किन मुद्दों के ऊपर वोट देंगे? हम वोट देंगे विकास के ऊपर वोट देंगे, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और क्या। हाँ, अखिलेश यादव सड़कों पर घूम रहे हैं, तमाम प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, अखिलेश सरकार नहीं आ सकती ना? तो अखिलेश से भी कोई नुकसान नहीं है ना, उसमें जो है ज्यादा अत्याचार होता है। अच्छा, अखिलेश में भी मायावती ने गठबंधन के लिए मना कर दिया, किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, तो उन्होंने सही फैसला किया है गलत? तो वो तो हाईकमान जाना है, वो इस बात को जनता के जाना, वो तो उनका जनता का भी कुछ रुझान होता कि मतलब जनता ये सोचती है कि किसी से गठबंधन होता तब सरकार बन सकती थी, अकेले दम पर बन जाएगी ना? वो तो बात सही है आपकी, अकेले दम पर भी बन सकती है अगर पब्लिक चाहेगी तो, और ना चाहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो हाई कमान के ऊपर बात है ना, हम कह सकते हैं कि गठबंधन कर लो या वो नहीं कह सकती, वो तो उनकी इच्छा है ना, क्या करते सकती। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के संभल के गांव पोटा में थे, हम ये दलित गांव में इस वक्त मौजूद थे, यहाँ की जनता का क्या रुझान बन रहा है, यहाँ के ऐसी जो समाज के लोग हैं वो किसकी सरकार बनाते देखना चाहते हैं, उनकी राय आपने जान ली है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी और किसे
फिर देश का मुख्यमंत्री चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।